पत्नी की मांग के सिंदूर का महत्व यदि पत्नी के मांगों के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उसका पति समाज में छिप जाता है जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगा करके किनारे तरफ सिंदूर लगाती है उसका पति उससे किनारा कर लेता है यदि स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है रामायण में एक प्रसंग आता है जब बलि और शिग्रु के बीच युद्ध हो रहा था तब श्रीराम ने बलि को नहीं मारा जब बलि के हाथों मार खाकर के सीगरु श्री राम के पास पहुंचा तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बलि की शक्ल एक सी है इसलिए मैं भ्रमित हो गया अब आप ही बताइए श्री राम के नज़रों से भला कोई छुप सकता है क्या असली बात तो यही थी कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बलि की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी हुई है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बलि को नहीं मारा दूसरी बार जब सीग्रीव ने बलि को लड़कारा तब तारा स्नान कर रही थी उसी समय भगवान ने देखा कि मौका अच्छा है और बाढ़ छोड़ दिया अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा है तो परमात्मा भी उसको नहीं मारते फिर उसके सिवाय कोई और क्या मारेगा यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आजकल फैशन चल रहा है सिंदूर न लगाने का या हल्का लगाने का या बीच में न लगाकर किनारे पर लगाने का मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोग सिंदूर का महत्व समझ गई होंगी और अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरे रहेंगी